भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ही जो कुछ मुद्दे लिए थे, उसमें राम जन्मभूमि, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी और इस तरह के 370, इस तरह के मुद्दे थे, जिसमें से राम जन्मभूमि कोर्ट के माध्यम से उसका निपटारा हो गया, 370 और 3 तलाक पर कानून बन चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी, ये अभी हमारे मैनिफेस्टो में हमारे संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हम लागू करेंगे। और ये आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी का संविधान बना है तब से हमारे मुद्दे रहे हैं। ये अलग बात है कि जब हमें बहुमत नहीं था तो हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर रखे थे। आज जब दूसरी बार देश की जनता ने बहुमत दिया है तो हमारी प्रतिबद्धता एनआरसी के प्रति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का शायद ये अकेला या होता है कि दो चार देशों में से एक देश होगा जिसका अपना एनआरसी नहीं है। तो क्या भारत की नागरिकता इतनी सस्ती है कि कोई भी आए भारत का नागरिक बन जाए बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी जांच पड़ताल के? तो यह समयानुकूल भी है, युगानुकूल भी है, इसलिए इसको लागू होना चाहिए। और जो सहयोगी दल इन मुद्दों पर भारत की जनता का वोट लेकर संसद में आए हैं, भगवान उन्हें सुरबुद्धि दे कि वो इन मुद्दों पर अपना अलग से विचार व्यक्त ना करें। अभी विरोधी व्यक्त करें उसके पहले आप शुरू हो जाते हैं, या आपकी मानसिकता को दर्शाता है, आप इससे दूर रहें, वरना ये गठबंधन के लिए भी सही नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप देशद्रोही के रूप में देश के मिजाज के विरुद्ध जाने वाले लोगों में गिने जाएंगे, इससे बचिए। अगर आपसे भी सद्बुद्धि आ जाए तो बिहार के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा।